नमस्कार दोस्तों, आप लोग पहले की ये तस्वीर देखिए। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे 1911 में भागलपुर की भाषा जो थी वो मैथिली थी। इसमें ऐसा मैथिल्स लोग दिखाना चाहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं जे बायरने के थ्रू, जो कि ऐसा लिखते हैं, द लैंग्वेज प्रीवेलेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ मैथिली डायलेक्ट ऑफ बिहारी हिंदी। मिथिला ऑल्सो कॉल्ड तिरहुतिया वॉज द कंट्री बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द हिमालयाज, ऑन द साउथ बाय द गेंजेज, ऑन द ईस्ट बाय द कोसी एंड ऑन द वेस्ट बाय द गंडक। देखिए, एंड इट इज़ फेमस एज बींग द होम ऑफ तिरहुतिया ब्राह्मण्स। देखिए, यहाँ पे अगर आप ये पहला सेंटेंस जो है, द लैंग्वेज प्रीवेलेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मैथिली डायलेक्ट ऑफ बिहारी हिंदी, सिर्फ इसे ही पढ़ते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर इसका शुद्ध रूप से अनुवाद किया जाए तो ये होता है कि इस ज़िले की जो मुख्य भाषा थी वो मैथिली बोली थी बिहारी हिंदी भाषा की। मतलब बिहारी हिंदी एक भाषा थी, उसकी बोली थी मैथिली और वो इस ज़िले की भाषा थी। तो अगर आप इस चीज़ को मान रहे हैं तो पहले तो आप मैथिली का जो लैंग्वेज स्टेटस है उसे वापस करवाइए, क्योंकि मैथिली एक डायलेक्ट है। ये दोगला वाला काम क्यों? मतलब कि मैथिली को बोली नहीं मानेंगे लेकिन ये मानेंगे कि भागलपुर में मैथिली बोली जाती है। वाह, ऐसे मतलब इन लोगों को तो दोगला ही बोला जाएगा ना। तो पहले तो ये मानो कि मैथिली एक बोली है, मैथिली की जो लैंग्वेज स्टेटस है उसे वापस लो, उसके बाद फिर ये कहना कि भागलपुर की भाषा मैथिली। ठीक है, भागलपुर की भाषा वैसे मैथिली है नहीं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि साउथ ऑफ गेंजेस को सोशली इन्फीरियर माना जाता था और पता नहीं क्या क्या। जो मैथिल ब्राह्मण आज अंग प्रदेश में रह करके मिथिला का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, वही मिथिला के ओरिजिनल ब्राह्मण्स लोग इन मैथिल ब्राह्मणों को हमेशा से सोशली इन्फीरियर समझते थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इन द साउथ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ ए डायलेक्ट प्रीवेलेंट कॉल्ड चिका चिकी बोली, द मोस्ट स्ट्राइकिंग पेक्यूलरिटी ऑफ विच इज डैट दोज हु स्पीक इट एड ए वोवेल साउंड एट द एंड ऑफ वर्ड्स, मतलब ओ। तो अगर आप अंगिका भाषा को सुनेंगे, इसमें यह कहा जा रहा है कि साउथ ऑफ गेंजेस में छिका छिकी बोली बोली जाती है, जो कि शब्द या सेंटेंस के अंत में जो है एक स्ट्राइकिंग ओ, मतलब ओ वाला जो शब्द है वो बोलते हैं, समझ रहे हैं? जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, अंगिका में लास्ट में ओ का जो उच्चारण है वो नॉर्मल रूप से होता है। कोई इस तरीके की बात नहीं कि हर जगह ओ ओ हम लोग लगाते रहते हैं। उसके बाद फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मगही का इन्फ्लुएंस भी पड़ा है भागलपुर पर, लेकिन है मैथिली ही। मतलब कि आप ये समझिए कि मगही का दूर दूर तक, शेखपुरा के बाद अंग प्रदेश से कोई ताल्लुक है ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक कि ये भागलपुर में मगही को घुसा रहा है। मतलब पहली बात तो देखिए, बिहारी कोई भाषा नहीं है, यहाँ पे ये पहला पॉइंट इसका कट हो जाता है। दूसरा बात, हम लोग इसे क्यों माने? ये अगर कल को मैं ही कोई PDF बना दूँ और उसमें इसी तरीके से लिख दूँ कि इस तरीके की वो भाषा थी, ये थी, वो थी, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स आए जिन्होंने बिहारी को एक लैंग्वेज बताया, जबकि बिहारी कोई लैंग्वेज है ही नहीं। तो इन सब, ये सब जो प्रूफ जो दिखा रहे हैं, ये इन सब प्रूफ को अपने पास रखो और बिना मतलब का कुतर्क करके प्रूफ करने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब बेसलेस चीज़ है, आप लोग इन पर ध्यान मत दीजिए। और जहाँ तक बात रही 1911 की, तो 1911 में देखिए, उस समय
भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश और जितने भी लिंग्विस्टिक्स थे वो अपने अनुसार से कुछ भी लिख करके कुछ भी बना करके चले गए। बताइए बिहारी को उन्होंने भाषा बना दिया, क्या से क्या वो लोग किए और उसके अनुसार पे उन्होंने कर दिया, बिहारी हिंदी बना दिया, पूर्वी हिंदी बना दिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया और उसी पर लेकर के आज हम लोग लड़ रहे हैं। और ख़ास करके ये लोग, ये चूतिया लोग साले कहाँ कहाँ से कौन सी PDF निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर पहले लिख रहे हैं कि मिथिला को जो बाउंड्री है वो दक्षिण में गंगा है और भागलपुर मुंगेर ये सब सारे गंगा के दक्षिण में आते हैं, फिर ये मिथिला कैसे हो गए बिना मतलब का कुछ भी, मतलब हद है यार। तो खैर ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को यदि ये प्रूफ दिखे तो आप लोग इस चीज़ से कन्विंस ना हो जाएं कि नहीं यार मैथिली बोली जाती थी। मैथिली नहीं बोली जाती थी, मैथिली सिर्फ और सिर्फ मैथिल ब्राह्मणों का चाल है, साजिश है और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।